अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्दी फूड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए अरवी और चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत इसको इजीली आप घर में बना सकते हैं। तकरीबन हाफ के जी मेरे पास अरवी है, उसको मैंने कट करके रखा हुआ है। सिर्फ धोया इसे, नमक नहीं लगाया, बस इसको पानी से अच्छे तरीके से वॉश किया है। आधा किलो से तकरीबन कम है थोड़ा सा हमारे पास चिकन। तीन मैंने टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज के, एक प्याली दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें दो कट की हुई, तीन दरमियानी प्याज मैंने कट की हुई हैं। आप चाहें तो इसे जो है वो क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। हाफ टी स्पून जो है मेरे पास नमक है, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जो है वो मेरे पास है हल्दी, दो लौंग और छः सात काली मिर्चें, हाफ टेबल स्पून जो है मेरे पास ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून हरा सूखा धनिया पिसा हुआ, और ये है गरम मसाला पाउडर। चलें जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपको आज एक बहुत ही मज़े की बात आपको बताऊंगी, जो आपको कभी पता नहीं होनी अरवी चिकन पकाते हुए, कि हम इसको किस तरीके से पकाएंगे। सबसे पहले जो है हम पैन में ऑयल डालेंगे, और इनको फ्राई करेंगे ताकि इसकी लेस खत्म हो जाए। ये बात आपको कभी भी कोई नहीं बताएगा, ये अरवी को अरवी की लेस खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। चले जी, जितनी देर में हमारी ये फ्राई होती है, इधर हम इसका चिकन का मसाला बनाते हैं। इधर कढ़ाई में मैं लूंगी ऑयल, इसमें डालूंगी मैं प्याज, तो तीन से चार मिनट नरम होने दूंगी, हमने ब्राउन नहीं करना। और आप इस तरफ देख सकते हैं कि ये हमारी अरवियां जो हैं साथ के साथ फ्राई हो रही हैं। इस तरह फ्राई करने से इनकी जो लेस है वो खत्म हो जाती है बिल्कुल। तीन से चार मिनट प्याजों को जो है मैं फ्राई करूंगी अच्छे से, ताकि ये नरम हो जाए, इनको गोल्डन ब्राउन नहीं करना हमने। और ये हमारी तकरीबन फ्राई हो रही है, ये देखें, ये एक बेसिक ट्रिक है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। इसको अगर हम फ्राई करेंगे तो इसमें लेस नहीं आती, सालन में लेस नहीं आएगी। अक्सर लोग धोते हुए नमक लगा के इसको धोते हैं, या आटे के साथ इसको अच्छी तरीके से धो लेते हैं, तो हमने ऐसे नहीं करना। ट्रिक में आपको इसके साथ एक और बताऊंगी कि हमने फ्राई होते इसके अंदर दही डाल देना है। ये बेसिक ट्रिक है जो बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम लोगों को पता है इसका। जब हम इसका पानी खुश्क होने देंगे, इधर हमारे प्याज जो है वो नरम हो गए, हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। मैं तब तक फ्राई करूंगी साथ चिकन को, जब तक चिकन का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। हमारे चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब मैं इसमें तीन से चार जो मैंने टमाटर काट के रखी थी वो डाल दूंगी, मिक्स करेंगे इसको। और इसके साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। मिक्स करूंगी अच्छे से। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। ऐसी जबरदस्त ट्रिक के साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज आप लोगों के लिए लेके आती हूँ।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे, मुझे खुशी होगी। लाइक कीजिए, ट्राई कीजिए, कमेंट में आप मुझसे जो कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं रेसिपी के मुतल्लिक। चलें अब मैं इसको बिल्कुल लो हीट पे 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो ढक दूँगी। और इधर आप देखें हमारी अर्घियाँ तकरीबन दही का पानी जो है वो हमारा खुश्क हो रहा है। ये देखें अरबी का जो है हमारा दही का पानी खुश्क हो चुका है और इसमें घी छोड़ दिया है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद, लेस इसकी हो गई खत्म। अब हम अपने चिकन की तरफ आएंगे। ये देखें प्याज हमारे और टमाटर जो है वो नरम हो गए हैं तकरीबन। हीट जो है वो मैं मीडियम करूंगी। इसमें मसाले जो है वो मैं ऐड कर दूंगी। नमक मिर्च आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने मैंने डाले हैं वो इसी रेसिपी के मुताबिक हैं। कुछ लोग ज़्यादा नमक मिर्चें इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, तो आप नमक मिर्च अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसमें मैं हाफ ग्लास जो है वो वाटर ऐड करूंगी ताकि चिकन जो है हमारा वो गल जाए। और इसको 5 से 7 मिनट जो है वो लो फ्लेम पे ढक दूंगी। मैं इसको खोलूंगी कि टमाटर हमारे तकरीबन जो है वो नरम हो चुके हैं। अब मैं इसमें जो है ये हमारी फ्राई हुई भी जो भिंडी थी वो मैं डाल दूंगी। अब मैं इसे मीडियम हीट पे जो है भूनूंगी। इसको मैं इतना भूनूंगी कि हमारा मसाला जो है इसकी ग्रेवी जो है वो सारी खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से। ये देखिए इसको अच्छे से मैंने भून लिया है और इसमें ऑयल जो है वो कढ़ाई में छोड़ दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। जितना अच्छा हम सालन की भुनाई करेंगे, किसी भी चीज़ की भुनाई करेंगे, उतना ही इसमें टेस्ट आता है। मसाले तो बाकी सारे वही यूज होते हैं तकरीबन, सिर्फ तरीका जो है वो टिप्स जो हैं वो सिर्फ पकाने की होती हैं। चलें अब मैं इसमें हाफ ग्लास जो है ना वो वाटर ऐड करूंगी इसमें। मिक्स करूंगी ताकि हल्की सी जो है ना हमारी ग्रेवी इसकी बन जाए। इसको जो है हम सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट बिल्कुल लो हीट पर पकाएंगे और हमारा अरबी चिकन तैयार है। चलिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं ये देखें फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ऑयल निकल आया ऊपर और हल्की सी ये हमारी ग्रेवी वाली चिकन भिंडी और चिकन अरवी जो है हमारी रेडी है। सॉरी मैं इस पे जो है वो हरी मिर्च ऐड करूंगी और इसको मिक्स करूंगी। कितना प्यारा कलर आ रहा है। चलें जी अब मैं इसको डिश आउट करूंगी।
ये देखें जी, अरवी चिकन हमारी रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छी टिप्स के साथ नेक्स्ट रेसिपी लेके मैं जल्दी हाजिर होंगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।